नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और रात के 8:30 बज चुके हैं। हमारे इस चैनल में कहानी सुनाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक लड़की को एक लड़के ने अपने प्रेम जाल में फंसाया और कई महीनों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर आखिरी में एक बड़ा कांड हो गया। ये कहानी उसी लड़की ने हमें भेजी है। वो कहती है कि मैं 23 साल की उम्र में दिल्ली आई, रहने वाली बिहार के एक छोटे से गांव की हूँ। गांव में तमाम बंदिशें थीं, लेकिन मैं आज़ाद ख्यालों की सोचा शहर जाऊंगी तो सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी, साथ में किसी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट बन जाऊंगी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने लगी, कुछ लड़कियों से दोस्ती हुई, फिर उनसे दोस्ती के दौरान ही एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। अब रिसेप्शनिस्ट बनने का सपना छोड़ दिया, यहाँ अच्छा लगने लगा, लेकिन समय के साथ पढ़ाई के लिए समय कम मिलता तो टेंशन बढ़ने लगी। अब टेंशन बढ़ी तो उसे दूर करने का सहारा तलाशने लगी। उसी सहारे की तलाश में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर समय बिताने लगी, दोस्ती करने लगी। उसी समय एक दोस्त मिला जो मेरे फोटो को अक्सर लाइक करता था, कमेंट करता था। मुझे लगा कि उसका प्रोफाइल देखना चाहिए। मैंने भी उसका प्रोफाइल देखा। वो नोएडा का रहने वाला था, दिखने में हैंडसम, स्मार्ट। फिर मैंने भी उसकी फ़ोटो लाइक कर दी। इसके बाद उसने मैसेंजर पर चैट की, दोनों में दोस्ती हुई। मैंने बताया कि मुझे टेंशन होने लगी है। उसने समझाया, टेंशन ना लो, कभी कभार पार्टी किया करो, डिस्को आओ, तब पता चलेगा कि कितना सुकून है ज़िंदगी में। मैं कभी पार्टी में नहीं गई थी, लेकिन मन था कि अगर कोई साथ चले तो चलूं। मौका मिल गया। कई महीने की चैट के बाद उस पर भरोसा हो गया। एक शाम उसके साथ घूमने गई, फिर नोएडा के एक डिस्को बार गए। उसने शराब पीने का ऑफर किया, मैंने मना कर दिया, फिर उसने भी नहीं पी। ये देखकर मुझे अच्छा लगा, उस पर और ज़्यादा भरोसा हो गया। फिर मैंने थोड़ी पीने की हामी भर दी, वो भी तैयार हो गया। हम दोनों ने हल्की ड्रिंक की, फिर डांस किया। वाकई ये महसूस हुआ कि यही असली दुनिया है। बेहद खुशी हुई। फिर उसने खुशी खुशी मुझे मेरे कमरे तक छोड़ कर आया। मैं बार बार कहती रही मैं अकेली चली जाऊंगी, लेकिन वो नहीं माना। बोला, ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। ये देखकर मुझे अंदर से खुशी हुई। देर रात कमरे पर लौटी, थक गई थी लेकिन खुशी ज़्यादा थी और उसी खुशी में सारी थकान दूर हो चुकी थी। खैर, समय चलता रहा, उस दोस्त पर भरोसा बढ़ता रहा। शायद उसके भरोसे में मिस हद तक आगे बढ़ चुकी थी कि मुझे कुछ और नहीं दिखता था। एक दो बार और हम ऐसे ही क्लब में मिले, पार्टी की, मस्ती की, थोड़ी बहुत डांस किया और फिर घर आए। वो अब मुझे थोड़ा बहुत टच करने लगा, लेकिन भरोसा इतना था कि उसकी हरकत मुझे बुरी नहीं लगती थी। ऐसा लगता था कि इतना तो चलता है। एक दिन मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया, क्योंकि मैं उसके साथ अपने जिस्म की प्यास बुझाना चाहती थी। वो आया और पहली बार हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। वो दिन मुझे अच्छे से याद है। हल्की सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। उसने मुझे अपने दोस्तों के संग एक पार्टी में बुलाया। मुझे उस पर भरोसा था, लेकिन फिर मैं एक बार थोड़ी हिचकी थी। उससे सवाल भी किया, दोस्तों संग पार्टी? उसने एक ही शब्द कहा था, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने बोल दिया, खुद से ज़्यादा भरोसा है। बस चली गई। हम किसी दूर के किसी रिसोर्ट में रुके, दोस्तों संग शराब पी, कुछ और लड़कियाँ भी थीं, सब मस्त हो गई। रात हुई, मुझे नींद आने लगी, या यूँ कहें कि मुझे नशे की वजह से बेहोशी छाने लगी थी। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। अगले दिन दोपहर में नशा उतरा तो देखा कि मेरे कपड़े बदले हुए थे, पूरे बदन पर अजीब दर्द हो रहा है, कई जगह नाखून से खरोंचने के निशान थे, प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा था। मुझे बेहद गुस्सा आने लगा, उस दोस्त को तलाशने लगा, वो कहीं नहीं मिला। काफ़ी तलाश के बाद एक लड़की मिली, उसकी भी हालत वैसी ही थी। हम दोनों ने बात शुरू की तो पता चला कि उसकी भी एक लड़के से दोस्ती थी, वो भी बहुत भरोसे वाला था, लेकिन उसे क्या पता कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। जब दोनों ने बात की तो समझ में आया कि ये कुछ लड़कों का गैंग है जो दूर दराज से आने वाली लड़कियों को टारगेट करते हैं, जो अकेली रहती हैं, उनका पहले भरोसा जीतते हैं, इसके बाद उसकी इज्जत लूट लेते हैं। अब वो जानते हैं कि दूर से आई लड़की जल्दी पुलिस के पास नहीं आएगी। हम बहुत चाहते थे लेकिन चुप रहे, ये बात किसी को बता नहीं पाए। उस लड़के के नंबर पर संपर्क किया, वो नंबर बंद था, फेसबुक पर भी उससे संपर्क नहीं हो पाया। तब से वो लड़का फिर नजर नहीं आया और ना ही मैं उसे कभी देखना चाहती हूँ। लेकिन वो सबसे बदनुमा दर्द आज भी डराता है,
ऐसा किसी और लड़की के साथ ना हो, उसके साथ भरोसे में ऐसी हरकत ना हो, इसलिए चाहती थी कि अपनी बात आपके साथ शेयर करूं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपको सबक और शबक दोनों मिले होंगे और आप तय कर पाएंगे, या कहें कि आप सभी तय कर पाएंगे कि आपको जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, कौन सा रास्ता छोड़ना है। ऐसी और भी कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।